हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और चुनाव धमाका में अब देखिए बंगाल का सुपर वायरल वीडियो। बंगाल में बढ़ते कोरोना के बीच टीएमसी नेता फरहाद हकीम विवादित बयान देकर सोशल साइट पर ब्रेकिंग न्यूज बने हुए हैं। वायरल वीडियो में फरहाद हकीम बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाली देते सुनाई दे रहे हैं। फरहाद का ये वीडियो कोलकाता पोर्ट का है। कोलकाता पोर्ट से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं प्रचार के दौरान अमर्यादित शब्द बोलते हुए सुनाई दिए। अपने वायरल बयान पर फरहाद हकीम ने इंडिया टीवी को सफाई भी दी। हम वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले फरहाद हकीम के विवादित बयान सुनिए। बीजेपी जब बीजेपी आएगा बच्चा को पहले मारो, आदमी कहाँ जाएगा? पहले मारो, मारो बच्चा बीजेपी जब बीजेपी आएगा बच्चा को पहले मारो, आदमी कहाँ जाएगा? पहले मारो, मारो फरहाद हकीम का यह विवादित बयान अभी सोशल साइट पर सुपर वायरल है। पूरे कोलकाता में इस वीडियो की चर्चा है, इसलिए फरहाद हकीम ने अपने इस बयान पर फौरन सफाई देते हुए मीडिया के सामने आ गए। सुनिए फरहाद हकीम ने वीडियो पर क्या सफाई दी। ওর সাথে তর্ক বিতর্ক এটা ওটাকে এডিট করে বা ইয়ে করে এগুলো সবসময় করে বিজেপির আইটি সেল চরিত্র হরণ মিথ্যা ফেক নিউজ এগুলো করে বিজেপি বেঁচে রয়েছে এগুলো করে বিজেপি বেঁচে রয়েছে। আপনারা ববি হাকিমকে অনেকদিন ধরে বলুন না, আমি মিটিংয়ে পাবলিকলি এইসব কথা বলতে পারি আপনাদের মনে হয়? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि फरहाद हकीम के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और उनके चुनाव प्रचार पर रोक भी लगनी चाहिए। इस पर और बातचीत करने के लिए पवन नारा हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, ये बताइए कि जिस तरह से शब्दावली और जो भाषा की मर्यादा है उसे खंडित किया जा रहा है और तृणमूल कांग्रेस के नेता पहले भी ऐसा कर चुके हैं, क्या ये माना जाए कि इस बार का चुनाव शायद ऐसा है जिसमें कोई नीचे का स्तर है ही नहीं? अजय जी, पिछले बयानों को देखते हुए और जिस तरह का यह बयान है, स्पष्ट है कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन में हताश होकर नेता किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। उस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। ये भाषा सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए नहीं बल्कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी और तृणमूल दोनों के नेताओं पर बार बार चुनाव प्रचार को लेकर रोक लगाई गई है, लेकिन शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ किताबों में सीमित रह गया है और जमीन पर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अपशब्द और उकसाने और भड़काने वाली भाषा इन चुनावों में खूब देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए पवन आपका। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।